चौहान इस देश की सबसे बहादुर योद्धा जातियों में से एक। इन्होंने अपने विशाल राजवंश स्थापित किए, कई नगर बसाए, अधर्म के खिलाफ लड़े और रक्त की अंतिम बूंद तक लड़े। लेकिन ये कहां से आए, कैसे उत्पन्न हुए, क्या ये ब्राह्मण थे, गुर्जर थे या अग्नि से उत्पन्न हुए, आइए जानते हैं। चौहानों के सबसे पहले राज्य की स्थापना 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान ने सपातलक क्षेत्र में की थी, जिसकी राजधानी थी अहिछत्रपुर। आज अहिछत्रपुर जाना जाता है नागौर के नाम से, जो कि राजस्थान में है। वासुदेव चौहान को चौहानों का आदि पुरुष भी कहा जाता है। वासुदेव चौहान ने सांबर झील के किनारे चौहानों की कुल देवी शाकंभरी देवी के मंदिर की स्थापना की। चौहानों के राज्य मुख्य रूप से अजमेर, दिल्ली, रणथंभौर, जालौर और सिरोही में हुए। कवि चंद बरदाई, मूणोत नैणसी और सूर्यमल मिश्रण के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई। आबू पर्वत पर महर्षि वशिष्ठ ने धर्म के उत्थान हेतु यज्ञ किया था। उस यज्ञ से चार क्षत्रिय उत्पन्न हुए, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। यज्ञ द्वारा उत्पत्ति पर यह भी कहा जाता है कि इनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई, बल्कि इन चारों क्षत्रियों ने उस यज्ञ की अग्नि के समक्ष धर्म की रक्षा का संकल्प लिया था। विदेशी इतिहासकार जेम्स टोड, वी ए स्मिथ और विलियम क्रूक सभी राजपूतों को विदेशी मानते हैं। उनके अनुसार राजपूत हूणों, कुषाणों और शकों के वंशज हैं, क्योंकि हूणों, कुषाणों और शकों की तरह राजपूत भी अग्नि पूजक है। वहीं राजस्थान के भीलवाड़ा के समीप बिजोलिया से विक्रम संवत 1226 का एक शिला लेख मिला था। इसमें चौहानों के राज्य की विस्तृत जानकारी मिलती है। इसमें चौहानों के लिए विप्रश्री वत्स गोत्रेभूत अंकन हुआ है, जिसके आधार पर डॉक्टर दशरथ शर्मा ने चौहानों को ब्राह्मण वंश का बताया है। कायमका, रासो तथा चंद्रावती के लेख भी चौहानों को ब्राह्मण वंशीय लिखते हैं। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा भी इसमें अपनी सहमति व्यक्त करते हैं। इतिहासकार डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने चौहानों को सूर्यवंशी क्षत्रिय माना है। चौहान वंश में कीर्तिपाल, विग्रहराज, पृथ्वीराज, हमीरदेव और कानड़देव जैसे प्रतापी शासक हुए, जिन्होंने साहस और शरणागत रक्षा की नई परिभाषाएं गढ़ी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।